नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महिला का बात करने वाला हूं जिसने ईश्वर को अपना बच्चा दे दिया, तोहफे में गिफ्ट कर दिया। और वो महिला कौन है वो आप देखेंगे अभी। तो चलिए हम देखते हैं, वीडियो के साथ साथ मैं उसमें कमेंट करूंगा और आप देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो माहौल है ये इजरायली और यहूदियों का माहौल है। और यहाँ पर एक महिला आती है जो बांझ होती है, जो तिलबिलाती है, रोती है। उसकी सौतन के पास बच्चे हैं लेकिन उसके पास नहीं है। देखिए, वो घुटना टेक करके मन ही मन इतना रोती है, इतना रोती है। और वो प्रार्थना पे प्रार्थना कर रही है कि मुझ कुमारी मुझ मुझ बांझ औरत पर रहम कर और मुझे एक बच्चा दे, क्योंकि मेरी सौतन मुझे चिढ़ाती है। और उसके पास कोई बच्चा नहीं था। और वो बोली कि अगर ये बच्चा तू मुझे देगा तो मैं ये बच्चा को तुझे गिफ्ट करूंगी। और वहाँ पे दूर से बैठा हुआ एक पंडित उसे देखता है और वो पंडित जो है उसे बोलता है कि क्या तू भरी दोपहरी में दारू पी करके आ करके बैठी है क्या? लेकिन वो सही में रोती है। उसे पास जा करके देखता है और उससे बात करता है, क्योंकि उतना समय महिलाएं शराब पिया करती थी, दाखरस पिया करती थी। और उससे वो बात कर रहा है। अब उसे बोलता है कि तू रो मत, तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है और परमेश्वर तुझे एक पुत्र देगा। तू चिंता मत कर, तू खुशी खुशी घर जा। एक माँ की प्रार्थना ने परमेश्वर का दिल को निचोड़ दिया और उसे गर्भवती करके एक माँ बना दिया। देखिए, वो स्त्री अब अपने बच्चे को ला रही है। और उसका नाम क्या है मालूम है? और उसका नाम है शैमुएल। उसका नाम है शैमुएल। और वो परमेश्वर को देने आई है उस बच्चे को, है ना? और इसकी मम्मी का नाम है हन्ना, है ना? हन्ना का विश्वास जो है उसके जीवन में रोशनी लाता है। और देखिए, इस प्रकार से उसने अपना वादा पूरा किया परमेश्वर के सम्मुख। परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया और उसके बाद हन्ना ने अपना वादा पूरा किया और वो अपने बच्चे को तोहफे में देने आई है। और ऐसे ही नहीं, बल्कि सैमुएल एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना जो परमेश्वर का चुना हुआ था। हम सैमुएल के बारे में पढ़ते हैं और वो बहुत बड़ा परमेश्वर का दास बना, भविष्यवक्ता बना। और उसके बाद हन्ना यूं ही नहीं रही, उसे और बच्चे हुए और वो निरंतर माँ बनते गई और शैमुएल के भाई बहन और भी बहुत सारे हुए। इस प्रकार से हन्ना ने अपना विश्वास के अनुसार पूरा किया वादा को। तो ये है छोटी सी कहानी, शैमुएल और हन्ना, हन्ना का विश्वास। तो दोस्तों, ये बहुत ही दयनीय परिस्थिति में अपने बच्चे को आप परमेश्वर को दे सकते हैं या आप जिससे प्रेम करते हैं उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, है ना? ये कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपने परमेश्वर से कुछ मांगा है तो परमेश्वर देखता है। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं? परमेश्वर जरूर आपको सब कुछ देगा। आप घुटना टेक के प्रार्थना करेंगे, आपको मांगने से मिलेगा, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन वो देखना चाहता है कि वो जरूरतें कितनी जरूरत है, वो जरूरतें आपके लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तभी वो उस चीज को देगा। और हन्ना को शैमुएल को गिफ्ट किया और शैमुएल को उसकी मम्मी ने ला करके परमेश्वर को गिफ्ट किया और वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बना। यानी कि हन्ना ने अपना वादा पूरा किया, परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। लेकिन आज अगर हम हन्ना के जगह होते, हम मांग लेते, तो क्या अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं? यानी कि अपने दिल के टुकड़े को, अपने कलेजे के टुकड़े को, हम उसे इतना प्यार करते हैं, क्या किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। लेकिन उसे परमेश्वर पर भरोसा था। जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी तो उसने भी अपना कर्तव्य निभाया और आज्ञाकारी एक महिला बनी। तो इसी प्रकार से आज हम बहुत सारे लोग हैं, हम परमेश्वर को क्या चीज, परमेश्वर देखिए, हमको तो परमेश्वर सब कुछ दे देता है, हम मांगते हैं हमें मिल जाता है, बट हम क्यों नहीं दे पाते हैं?
परमेश्वर भी चाहता है कि हम भी दें। तो हमारा सबसे प्रिय चीज क्या है, हमारा सबसे प्रिय चीज क्या है? वो उसे मांगता है, वो उसे मांगता है, वो उसका विश्वास है, है ना। वो चाहता है कि मैं जैसे इसको प्यार करके ये गिफ्ट तोहफा दिया, वो भी मुझे प्यार करे और मेरी बातों को माने और मेरे पीछे हो ले। तो इस प्रकार से परमेश्वर भी चाहता है, परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। लेकिन जब हम इग्नोर कर देते हैं परमेश्वर के वादा को, परमेश्वर के आज्ञा को इग्नोर कर देते हैं, या परमेश्वर को नहीं देंगे सोचते हैं, या नहीं दे पाते हैं, या हम अपनी अभिलाषा में खो जाते हैं, अपनी खुशी को देखते हैं और परमेश्वर के आज्ञा को भूल जाते हैं, तो हमारे जीवन में फिर परिस्थिति का बाढ़ शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आइंदा से ऐसा ना करें। अगर परमेश्वर से आपने कोई मन्नत मांगा है तो उसे पूरा करें, है ना। परमेश्वर और वही मन्नत को पूरा करता है जो आपकी ज़रूरत है, जो आप उस लायक हो, जिस लायक मतलब जिसके आप लायक हैं, वही चीज़ आपको देगा और समय पर देगा, है ना, समय से पहले नहीं देगा। तो इस बात को प्रार्थना में रखें। और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ, नए नए कार्यों के साथ, हम आपके पास नए नए विषयों के साथ आपके पास आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी सारी इच्छा पूरी करें और आप परमेश्वर के आज्ञा का पालन करें। तो दोस्तों, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।